किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना, इसे मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है। हाल फिलहाल में आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल देखा होगा, वीडियो अभिनव अरोड़ा का। बाल कथावाचक के रूप से मशहूर अभिनव अरोड़ा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के आसपास नजर आते हैं। वो मंच पर कथा कह रहे होते हैं और अभिनव अरोड़ा उनके पास खड़े होते हैं। फिर अचानक से जगत गुरु राम भद्राचार्य कहते हैं कि तुम मेरे मंच से नीचे उतर जाओ। ये लोग वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी कर रहे हैं, उस पर तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। और तो और अभिनव अरोड़ा की तरफ से ये तक कहा गया कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगी हैं। और इसके साथ अभिनव अरोड़ा ने यह भी कहा कि वीडियो कुछ और था, उसे दूसरी तरीके से दिखाया गया। लोगों के लिए अभिनव अरोड़ा इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। कई लोग अभिनव अरोड़ा के खिलाफ बोल रहे हैं तो कई लोग अभिनव अरोड़ा का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी बीच सुल्तानपुर के महावीरन धाम के विजेथुआ महोत्सव में रामकथा करने पहुंचे राम भद्राचार्य जी महाराज ने अभिनव अरोड़ा को मंच से उतारे जाने पर अपनी फिर से प्रतिक्रिया दी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभिनव अरोड़ा का स्वभाव है कि वो संतों के पास जाकर हरकत करता है, चंचलता करता है, नाचता कूदता है। मेरी कथा गंभीर विषय पर चल रही थी, इसीलिए उसे उतार दिया गया। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मेरी एक मर्यादा है, लेकिन उससे मुझे कोई भी द्वेष नहीं है। वहीं जब राम भद्राचार्य जी से सवाल पूछा गया कि मंच से उतारने के बाद अभिनव को धमकियां मिल रही हैं, तो उस पर उनका कहना था कि वो जाने और दूसरे लोग जाने, हम कुछ भी नहीं जानते। बाकी तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी, एक बार आप सुनिए। बात ऐसी है कि मेरी कथा चल रही थी वेदस्तुति में गंभीर विषय पर, और उस लड़के का स्वभाव है किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना, इसलिए मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है। पर उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। अब उसका बयान आ रहा है, वो कह रहा है उसको धमकियां मिल रही हैं, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं घर से निकलोगे मार देंगे। वो जाने वो दूसरे लोग जाने, हम नहीं जानते। अच्छा, ये जो इस तरह के जो आज की डेट में लोग कथाएं कर रहे हैं, धार्मिक कथाएं कर रहे हैं, ये कितना सही मानते हैं आप, जो बच्चे हैं या तमाम? अच्छा नहीं मानते, पढ़ के लिए तब कथा करें तो कहीं ना कहीं इससे सनातन नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए इन लोगों को? पढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप रामभद्राचार्य जी महाराज की इस टिप्पणी पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।